नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू ओपन अकाउंट इन जीरोधा। आप जीरोधा में आप अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रूप से बताने वाले हैं जीरोधा में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेली जो एजुकेशनल वीडियो है, जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आते रहता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप में या लैपटॉप और कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हैं इस पेज को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आपको आना है। जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे तो आपको यहां पर बोला जाएगा अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहां कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहां देख सकते हैं आप, मेरे मोबाइल पर जो ओटीपी आया था, मैंने ये ओटीपी यहां पर डाल दिया। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किए, यहां पर आपको अपना नाम पूछा जाएगा, यहां पर अपना ईमेल डालने कहा जाएगा। चलिए अपना नाम और ईमेल डाल देते हैं। तो यहां पर अपना नाम डालना है, फिर यहां पर ईमेल डालना है। तो मैंने नाम और अपना ईमेल दोनों डाल दिया। अब यहां कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर कह रहा है कंफर्म ईमेल ओटीपी, यहां पर अपना ईमेल ओटीपी कंफर्म करें। तो चलिए हम ईमेल ओटीपी अपना डाल देते हैं। तो यहां पर हमने अपना ईमेल ओटीपी यहां पर डाल दिया और उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किए तो यहां कह रहा है लेट्स स्टार्ट विथ योर पैन। अब आपको यहां पर अपना जो है पैन नंबर डालना है और फिर डेट ऑफ बर्थ एज ऑन पैन नंबर, जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ है पैन नंबर पर डालना है। फिर यहां पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहां पर अपना स्टेप वन कंप्लीट करना है, मतलब यहां पर आपको चुनना है आप इक्विटी या कमोडिटी कौन कौन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मतलब कौन कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ इक्विटी में अपना ट्रेडिंग करेंगे तो इक्विटी को सेलेक्ट करते हैं। आपको कमोडिटी अगर बाद में आवश्यकता हो, आप चाहते हैं कि कमोडिटी में भी करें तो बाद में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ इक्विटी को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा 200, तो यहाँ से पे एंड कंटिन्यू पर जाइए और UPI ID से अपना पे कर दीजिए। जो आपका UPI ID है, फोन पे है, गूगल पे है, जिससे भी हो, आप भीम UPI से भी पे कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने आधार के साथ अब साइन इन करना है। तो जो डिजी लॉकर है, अगर आपने उस पर अपना रजिस्टर नहीं किया है आधार, तो जा करके रजिस्टर कर लीजिए और फिर कनेक्ट टू डिजी लॉकर, अपने डिजी लॉकर अकाउंट के साथ कनेक्ट कीजिए इसे। जैसे इसे आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस तरह का पेज जब आप ओपन होता है तो यहाँ पर अपना माई सोल कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इंडिया, तो यहाँ से अपना ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेबकैम IP भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक देख सकते हैं 4 डिजिट का OTP आएगा, मतलब पिन आएगा। इस पिन को अपने कागज़ पर बोल्ड लेटर में मोटे अक्षर में लिख लेना है और अपने सामने रख करके इस तरह से, आपके पास फोटो का ऑप्शन आता है तो फोटो डालना है और वीडियो का ऑप्शन आता है तो एक वीडियो डालना है, मतलब एक फ़ोटो और एक वीडियो यहाँ पर डालना है। तो डालने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बैंक प्रूफ डालने बोला जाएगा। तो अपना बैंक प्रूफ जो होगा, मतलब जो आपका पासबुक है उसका जो मेन पेज है उसका फ़ोटो खींच करके यहाँ पर डाल देना है, मतलब PDF डाल दीजिए या फ़ोटो डाल दीजिए, जो भी डालना है चलेगा। डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे फिर आपको यहाँ पर मांगा जाएगा इनकम प्रूफ, तो यहाँ पर आपको फिर इनकम प्रूफ चूज करना है। इनकम प्रूफ, फिर यहाँ पर पैन कार्ड का कॉपी, फिर अपना करेंट सिग्नेचर, तो ये सारा चीज़ आपको डाल लेना है। जैसे ये सारी चीज़ डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको जो जीरोधा है 2-3 दिन में आपका अकाउंट ओपन करके आपको दे देगा। 2-3 दिन बाद आपको जो SMS आ जाएगा, आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं और अपने ईमेल पर SMS आ जाएगा कि आपकी ID ये है और आपका पासवर्ड ये है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा जीरोधा अकाउंट ओपन करने में। अब हम अकाउंट में लॉगिन करके आपको कैसे आप फंड ऐड करेंगे, कैसे शेयर को बाय और सेल करेंगे ये बता देते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे जीरोधा काइट को यूज करना चाहते हैं तो आपको kite.zerodha.com ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ID और पासवर्ड डालना है। तो हमारा ID पहले से ये ले लिया है, पासवर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड हमने डाल दिया, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पिन बोला जाएगा, चलिए पिन डाल लेते हैं।
तो यहाँ पर पिन डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको जीरोधा का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका वॉच लिस्ट होगा, यहाँ पर वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5, सारे वॉच लिस्ट में आप हर एक वॉच लिस्ट में 50-50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फंड ऐड करना है तो यहाँ पर देखते हैं डैशबोर्ड है, ऑर्डर है, होल्डिंग है, पोजिशन है, फंड है, तो इस फंड पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे फंड पर क्लिक करेंगे तो विड्रॉ फंड, ऐड फंड दो ओपन होगा। तो यहाँ पर हम ऐड फंड पर क्लिक करते हैं, जैसे ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा। तो चलिए इस विंडो को ओपन होने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं विंडो जो ओपन हुआ, यहाँ पर अमाउंट इंटर करने बोला जा रहा है। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम 100 रुपया ऐड कर देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो आपका सेगमेंट है करेंसी कम्युनिटी वो चुनना है, तो हमारा सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव ही एक्टिव है। फिर यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर यूपीआई आईडी, क्योंकि हम ये यूपीआई आईडी बार बार यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग चाहे तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, 5 मिनट में आपको अपना यूपीआई ऐप में जाना है, वहाँ से आपको इसको एक्सेप्ट करना है और पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट कर देंगे ये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब तो हमने पेमेंट आपको बता दिया कैसे ऐड करना है, अब इसमें शेयर कैसे बाय और सेल करेंगे अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो वॉच लिस्ट है, इसे कोई भी स्टॉक यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसे HDFC बैंक पर आप लाएंगे कर्सर तो यहाँ पर बाय सेल चार्ट, मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, डिलेट, यहाँ पर मोर, सारा ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर बाय पर क्लिक कीजिए। जैसे बाय पर क्लिक करेंगे आपको एक नया देख सकते हैं पर विंडो ओपन होगा। यहाँ पर सारा चीज़ सेलेक्ट करना बोला जाएगा। ये प्राइस है इसका आज का। आप यहाँ पर मिस CNC ये होता है इंटरडे के लिए, ये होता है हमारा जब लंबे समय के लिए आप स्टॉक को रखना चाहते हैं तो CNC चूज करना है। मार्केट प्राइस जो प्राइस चल रहा है उस पर बाय करना चाहते हैं तो मार्केट। अगर आप अपने मन से कोई प्राइस सेट करना चाहते हैं कि इसी पे बाय करना है तो लिमिट, फिर स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। आप जैसे यहाँ कितना क्वांटिटी बाय करना है वो डालना है। जैसे हम 10 क्वांटिटी बाय करना है 10 डालेंगे। प्राइस जिस पे बाय करना है तो लिमिट आपने चूज़ किया तो लिमिट प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे हम 10,050 पे बाय करना चाहते हैं 10,050 डाल दिए। अब जैसे आप 1,050 पे बाय करना चाहते हैं तो आप 1,050 यहाँ डाल देंगे। तो हमने 1,050 डाल दिया यहाँ पर। आप डिस्क्लोज क्वांटिटी, जैसे 10 क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं लेकिन जो दूसरा कोई जाने के आप 2 ही क्वांटिटी बाय किए हैं तो यहाँ पर 2 डाल देंगे। मतलब यहाँ जो डालेंगे उतना ही क्वांटिटी दूसरों को पता चलेगा। फिर यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। देखिए बाय पर क्लिक के यहाँ एरर दिखा रहा है क्योंकि अभी जो प्लेस किया जा रहा है सिर्फ AMO ऑर्डर, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो आप अन्य ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो हमने AMO ऑर्डर यहाँ पर जाके चूज करना है। रेगुलर ऑर्डर अभी नहीं चलेगा, जब मार्केट ओपन होगा तब ये तीनों ऑर्डर काम करेगा, अभी सिर्फ AMO ऑर्डर। तो AMO ऑर्डर हमने चूज कर लिया। अब यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देख लीजिए ऑर्डर प्लेस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑर्डर जा करके आप देख भी सकते हैं, चाहे यहाँ पर क्लिक करके भी आप ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर पर क्लिक किए, यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर प्लेस किया था, एक HDFC बैंक का, एक विप्रो का। तो यहाँ देखते हैं HDFC बैंक और विप्रो, HDFC बैंक का 2 दिखा रहा है, विप्रो का 1। तो यहाँ से आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ दिखाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कैंसिल, कैंसिल पर क्लिक करेंगे ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फंड ऐड कर सकते हैं और शेयर बाय सेल कर सकते हैं और यहां से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपको सबसे पहले वहां एक पिन सेट करने बोला जाएगा, 6 डिजिट का पिन, वो पिन सेट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको वॉच लिस्ट मिलता है, अपना जो है जो भी स्टॉक्स आप बाय सेल करना चाहते हैं उसे ऐड कर लेना है। एक वॉच लिस्ट में आप जो है कुल 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और इस तरह का कुल 5 वॉच लिस्ट है। 5ों वॉच लिस्ट में 50-50 स्टॉक को ऐड कर दीजिए। उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको फंड जो ऐड करना है तो यहाँ पर जाना है, देख सकते हैं ये अकाउंट है हमारा। तो यहाँ पर आपको अपने इस अकाउंट पे, अपने इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं फंड का ऑप्शन खुलेगा, प्रोफाइल का, सेटिंग का, कंसोल का। तो यहाँ पर आप जो भी फंड ऐड करना चाहते हैं तो इस फंड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे फंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी फंड होगा करेंट वो दिखाएगा यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर ऐड फंड पे क्लिक करना है। अगर पहले से यहाँ पर फंड है आपको उसको विदड्रॉ करना चाहते हैं तो विदड्रॉ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ऐड फंड पर क्लिक करते हैं। जैसे ऐड फंड पर क्लिक किए तो यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज करने बोला जाएगा।
और यहाँ पर अमाउंट चूज करने बोला जाएगा। तो चलिए हम अमाउंट आपको 100 रुपीज़ ऐड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ डाल दिए। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग अदर। हम UPI से चले, अरे गूगल पे से चले जाते हैं, तो गूगल पे पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गूगल पे में, हमारा जो गूगल पे है उसमें इस मोबाइल में उससे डायरेक्ट यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके आप अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे फंड उसमें ऐड करेंगे। अब चलिए शेयर को बाय और सेल कैसे करेंगे ये बता देते हैं। अब जैसे यहाँ आप वॉच लिस्ट में अपना जो भी स्टॉक्स है उसको ऐड कर लिए। यहाँ पर इंडेक्स आप निफ्टी जैसे हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी जो भी है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये विप्रो का शेयर है इस पर क्लिक किए। अब विप्रो के शेयर को बाय करना है, तो बाय करना है तो यहाँ पर अपना क्वांटिटी डालिएगा। यहाँ पर आपको प्राइस सेलेक्ट करना है अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो। अगर आप सब मतलब लंबे समय के लिए शेयर बाय करना चाहते हैं तो CNC सेलेक्ट करना है। अगर एक दिन के लिए बाय सेल करना तो चाहते हैं तो MIS सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप जो प्राइस चल रहा है उसी पर बाय करना चाहते हैं तो मार्केट, नहीं तो अपने प्राइस को चाहते हैं कि जैसे अभी ये 225 है आप 220 पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरा लिमिट पर क्लिक है, यहाँ पर आप इसको 220 कर दीजिए। अब नंबर ऑफ़ शेयर कितना बाय करना चाहते हैं यहाँ पर डालना है। जैसे 10 शेयर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ 10 डाल दीजिए, तो नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस टारगेट आपको जो भी लगाना है, धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे। हम डिटेल में एक वीडियो में बताए हुए हैं, तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है, ब्रैकेट ऑर्डर, क्रहभर ऑर्डर ये सब आपको नहीं अभी यूज़ करना है क्योंकि ये इंट्राडे के लिए और जो बड़े एक्सपर्ट प्लेयर हैं उसके लिए है। आप बिगनर हैं, आपको रेगुलर यूज़ करना है। अभी मार्केट जैसे बंद है तो मार्केट बंद में आप AMO यूज़ करेंगे, तो हम चलिए AMO पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि रेगुलर पर अभी यूज़ करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। आप देखिए डे IOC डे होता है कि दिन भर में कभी भी 220 रुपये आएगा तो आपका शेयर बाय हो जाएगा, और IOC होता है कि जिस समय आपने क्लिक किया उस समय अगर 220 रुपये पर शेयर मिल रहा होगा तो बाय होगा, नहीं तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा हो गया। अब नीचे यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी है, जैसे आप 10 शेयर बाय किए लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा कोई जाने कि आप 2 ही शेयर बाय किए तो यहाँ तक 2 डाल सकते हैं, मतलब 10 शेयर आपका बाय होगा लेकिन दिखाएगा 2 ही शेयर किसी को भी। तो अब यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑर्डर देखिए प्लेस हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर पर जाइए, देखिए ये बाय ऑर्डर हमारा लगा हुआ है। तो AMO ऑर्डर अभी मार्केट बंद था इसीलिए, अगर मार्केट खुला हुआ है जिस समय चालू है तो उस समय आप रेगुलर पर क्लिक करेंगे। तो आप इसको किसी भी समय इस पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई पर क्लिक करके आप जैसे यहाँ पर जो है रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑर्डर AMO ऑर्डर है, ये रेगुलर अभी होगा ही नहीं, देख सकते हैं रेगुलर होगा ही नहीं क्योंकि ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी AMO है क्योंकि अभी मार्केट चालू नहीं है इसलिए ये रेगुलर नहीं हो सकता। और कुछ भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे IOC इसको डे से IOC कर सकते हैं तो ये भी चेंज हो सकता है, मार्केट से लिमिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक वीडियो में बताएं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि किस तरह के ऑर्डर होते हैं। यहाँ पर टोटल टाइप हमने ये डिटेल में बताया है, किस तरह से बाय सेल होते हैं लाइव मार्केट में बताया है, लाइव बताया है वहाँ पर कि कैसे बाय शेयर बाय होता है फिर कैसे सेल होता है। तो और सारे जो आगे के जो किस शेयर को बाय करना है, किस शेयर को सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, इससे अपडेटेड वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे फंड ऐड करना है, कैसे शेयर बाय सेल करना है, कैसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ये सारी चीज़ें अगर मतलब डिटेल में चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर बाय सेल करना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा उस वीडियो का जिसमें हमने डिटेल में बताया है। और अगर आप और चाहिए आगे डिटेल में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम एक नया वीडियो बना करके भी आपको दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।